वेलकम बैक टू माई चैनल फैमिली। तो कल आपने देखा कि मैं गई थी लाजपत नगर और वहाँ पे मैंने अपना आई टेस्ट करवाया, तो मेरा नंबर ना बढ़कर आया और सब लोग मुझे इस चीज़ के लिए मतलब यू नो समझा भी रहे थे और पापा में बहुत नाराज़ भी हो गए थे। इसलिए हो गए थे बिकॉज वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं अपना ध्यान रखती ही नहीं हूँ। मैं वैसे सच में एक लड़की को जितना अपना ख्याल रखना चाहिए मैं कभी अपना ध्यान रखती ही नहीं हूँ और ना अपने ऊपर कभी अपना परवाह करती हूँ, कुछ नहीं करती। और मैंने शुरू से ना सिर्फ यही समझा है कि हाँ भागना है भागना है, कभी गिटार क्लास, कभी सिंगिंग क्लास, कभी डांसिंग क्लास। और फिर अब तो खैर काफ़ी कुछ ये हो गया है, मेरा छूट भी गया है। और नाइन्थ में भी मेरे को इतना ज़्यादा मतलब स्टडी का थोड़ा प्रेशर था तो मैंने काफ़ी ले लिया था। तो और वो जो जिन्होंने आई टेस्ट किया डॉक्टर, उन्होंने बोला है कि स्ट्रिक्टली 11:30 बजे के बाद रात को ना लैपटॉप पे एडिटिंग करनी है ना फ़ोन यूज़ करना है, अंधेरे में तो बिल्कुल फ़ोन यूज़ ही नहीं करना, मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया है फ्रेंड्स। और बहुत टेंशन थी, मेरा भी ना कल मूड सही नहीं था सच्ची बताऊँ तो, इसलिए मैंने ना कल ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करा, दिल से नहीं करा। और आज जाऊँगी शायद अपने स्पेक्स बनवाने और फिर कॉलेज भी जाना है, वहाँ पर भी काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा है, उसको भी सारा कंप्लीट करना है, हालाँकि वो भी बहुत टाइम लेगा, बट धीरे धीरे सब कुछ मैनेज करना है। और यार पता है एक हिम्मत सी आ जाती है, सच्ची बताऊँ इतना मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ ना, मैं किसी को बोल नहीं रही कुछ बट मैं इतना सेक्रीफाइस कर रही हूँ ना, मैं ये सोचती हूँ यार चलो मैं यूट्यूब की वीडियो चल रही है ना, चलो यूट्यूब से मैं स्टेबल तो हूँ ना, तो मुझे एक तसल्ली हो जाती है। मैं सच्ची बता रही हूँ मैं इतना बर्डन नहीं लेती, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अभी मैं फेस पे थोड़ा स्किन केयर करूँगी बिकॉज मैं अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती हूँ, ये बात बिल्कुल सच्ची है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का अल्लाह का शुक्र है, बट यह है कि मतलब अब उसमें अल्लाह की भी क्या गलती है अगर मैं अपना ख्याल खुद से नहीं रख रही हूँ, राइट? तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। तो आज जाऊँगी थोड़ा सा स्पेक्स बनवाऊँगी और बकरीद भी आ रही है, इंशाल्लाह अल्लाह करे सब कुछ अच्छे से हो जाए यार अब। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो आपसे मिलती हूँ। अरे अरे डरो मत, मैं आपकी सनेही हूँ। कल घर में डांट सुनने के बाद आज घर में लंच बन रहा है और सच्चाई तो यही है फ्रेंड्स, लंच बन रहा है ताकि मैं लंच करके कहीं बाहर निकलूं घर का खा के, बिकॉज मैंने आपको बताया ना सारी बातें आप लोगों से शेयर करी है मैंने अपनी और तैयारी हो रही है। तो वो क्या बन रहा है चलो मैं आपको अभी बता देती, बिरयानी। पानी वानी तो नहीं है, पता चला एक तरफ से फेस पैक लगा ऊपर से दूसरे तरफ से शक्ल ही खराब हो जाए। दूर हो जाती भाई मैं, दूर हो जाती। अभी तक मेरा फेस ड्राई भी नहीं हुआ है, लाइक जो पैक मैंने लगाया और मम्मी ने देखो माशाल्लाह वो देना, लाइक मेहनत तो बहुत है लेकिन कुछ देरी में मम्मी ने तैयार कर दिया है। यहाँ पे ये जो है अनियन फ्राइड हो गई है, तो या तो मैं ना कूलर में ना पानी फिल कर रही हूँ ताकि जो मेरी बर्ड्स है उनको गर्मी ना लगे। एंड ये छोटू मास्टर यहाँ पे बैठा है माशाल्लाह ब्लू वाला और सबसे ज्यादा लड़ाकू ये येलो वाली है और ये भी बहुत लड़ता है, ये इससे सीख गया लड़ना। और इन्होंने अपने अंडे इतने फेंके है ना फ्रेंड्स, इतने फेंके ट्रस्ट में क्या बताऊं यार, क्या ही बताऊं। अब तो हम इनको ना दवा भी देते हैं, मतलब पूछ के दवा भी देते। तो फ्रेंड्स मैं ये सोच रही हूँ ना कि मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, देख सकते हो आप मम्मी माशाल्लाह बिरयानी ऐसे बनाती है, लाइक इसको ना अभी कवर कर रखा है। फ्रेंड्स अभी मैं नहा के ना फ्रेश हो गई हूँ और गर्मी बहुत हो रही है दिल्ली में, आप सबको पता है मौसम थोड़ा सा नॉर्मल होता है बट फिर भी बहुत गर्मी हो जाती है। तो अभी मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। हे फैमिली, तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से लाजपत नगर मार्केट और वहाँ पे स्पेक्स बनवाना है, स्पेक्स पहले डिसाइड करूँगी और एक जगह और आई टेस्ट करवाऊँगी और जो भी होगा सब आपको दिखाती हूँ। तो चलते फटाफट से जल्दी जल्दी।
ब्लू रे से प्रोटेक्ट करता है 430 नैनोमीटर से अबव जितने। सो फ्रेंड्स मैंने ना अभी आई टेस्ट करवा लिया है, फ्रेंड्स वगैरह भी देखूंगी और चलते हैं अभी मार्केट में। हाँ बोलो। ई रिक्शे वाले भी बता रहे मैं कट्टा लेके चलता हूँ, बताओ भाई क्या जमाना। फ्रेंड्स एक ट्रेजेडी हो गई थी, हाँ एक ट्रेजेडी हो गई है कि मतलब एक ई रिक्शा वाला बैठा था ना तो उसने बोला कि मैं तो कट्टा भी रखता हूँ ये वो, फिर हमने इतना माइंड नहीं किया ना उसे जवाब दिया। सो फ्रेंड्स अभी ना फ्रेम्स पसंद नहीं आया इतना और अभी स्टिल अभी फ्रेम्स वगैरह हम लोग पसंद कर रहे हैं, देखते हैं कैसा है। अभी थोड़े बहुत कुछ सामान लेंगे और आंखें इतनी दर्द हो रही है, सर्दी का तेज दर्द हो रहा है, पसंद ही नहीं आ रहा है यार कुछ, तो अभी देखते हैं क्या है। और आप देख सकते हो ये है लाजपत नगर। मिरर कितना अच्छा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है मिरर। वाओ दिस लुक्स सो नाइस। वो जो आपने ब्लैक लगाया था ना उसका ये लाइट कलर। अच्छा उसी का एग्जैक्टली उसी का क्रॉस लाइन। एंड अगेन मैंने थर्ड शॉप भी एक्सप्लोर किया था फ्रेंड्स। बंद बहुत सारी भाग दौड़ के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई यहाँ पे गोलगप्पे खाने। मुझे ना इनके गोलगप्पे भी बड़े पसंद है एंड आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैं इतनी थकी हुई थी ना इनके गोलगप्पे खा के, मेरे फेस पे आप देख सकते हो थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील कर रही थी। देखो एक इसने ज्यादा मांगा। चुप रहो। सो फ्रेंड्स अभी मैं घर जो है ना वो पहुंच रही हूँ और क्या हुआ है ना यार आज कुछ भी काम नहीं हुआ है और मतलब कोई काम ही नहीं हो पाया यार आज, तो अभी थक भी गई हूँ और जो फ्रेम था पसंद भी नहीं आया, लाइक पसंद आया है। अब देखती हूँ कैसा होगा, जैसा भी होगा आपको जरूर बताऊंगी। सो मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।